अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और मैं ये पीएम पोर्टल खोलता हूँ। ये एक एप्लीकेशन इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा है जी, क्लोज पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड। तो पहले इसकी सवाल देखते हैं क्या था इसका। ठीक है, ये एप्लीकेशन ये थी कि ये दो एप्लीकेशन इधर से डिलीट हो गई हैं, तो ये हायर अप्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया, और क्योंकि ये मैंने इनकी करप्शन बेनकाब की है इसलिए ये मुझे डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बना रहे हैं, और ये साथ इसके एक अटैचमेंट भी थी। एप्लीकेशन डेट थी 11 दिसंबर, आज ये डिस्पोज ऑफ हो गई है। क्या नीचे से ऊपर आता है, ये सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने चेयरमैन एचओसी को लिखी है, चेयरमैन एचओसी ने एमओआईटी को लिखी है 13 दिसंबर को ही, और फिर उन्होंने कहा कि आपका कौन सा इशू है जो 48 घंटों में हमने रिजॉल्व करना है। इशू मैंने ये बताया कि वह आपने एप्लीकेशन डिलीट कर दी हैं जिनमें मैंने प्रूफ एविडेंस दिए थे आपकी करप्शन के, कि कैसे आप जाली डिग्रियाँ बेचते हैं और कैसे आप रिश्वत लेते हैं और कैसे आप पीएम पोर्टल को कम्प्रोमाइज़ करते हैं, पीएम पोर्टल में कैसे होल्ड आपके माफिया का, तो ये आगे से कहते हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। जो सवाल था वो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन एक और आ गया। चले मैंने फिर इन्हें कहा ये जो किया काम, एक ईमेल एड्रेस मेरा आपने ब्लॉक किया है, ठीक है, मेरा रिज़ल्ट ब्लॉक किया हुआ है, पब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है, ईमेल मुझे नहीं आ रही, और फीस का भी मसला है, ठीक है, फीस मेरी एडजस्ट नहीं हो रही। अब आगे से आ गया कि हमने आपको एक नोटिस जारी किया है, आपकी मम्मी को भी नोटिस जारी किया है, और आप आ जाएँ ये 17 दिसंबर को। आगे 26 दिसंबर को ये कह रहे हैं कि आपको आपका डिसीजन हो गया, ठीक है, और आपकी कोई क्यूरी है तो आप 48 घंटे में पूछ सकते हैं। उन्होंने सेंड नहीं किया, मैंने कहा ईमेल मुझे सेंड करें, उन्होंने वो सेंड नहीं किया, फिर भी वो कहते हैं कि जल्दी आपका हो जाएगा, ये कह रहे हैं वो 26 दिसंबर को। और फिर मैंने कहा ये वाला ईमेल एड्रेस मेरा एक्टिवेट करें जो आपने हैक किया इस वजह से, क्योंकि उसमें प्रूव्स हैं, अप्रूवल्स हैं ईमेल एड्रेसेस में, और ये रिश्वत जो मांगी हुई है वो इन ईमेल एड्रेसेस के थ्रू ये मांगते हैं, ये हर स्टूडेंट को पता है कि ये कैसे रिश्वत मांगते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपकी ये वो दोबारा वही कंप्लेन शुरू होगी, दोबारा क्या, अब उसका जवाब तो दिया नहीं आपने, ठीक है। तो मैंने कहा वो कहता वो ड्राप कर दूंगा, मैंने कहा ड्राप करने की जगह इसे रिजॉल्व कर दें, ठीक है, तो बताएं कौन सी जो वायलेशन हुई है। अब वायलेशन हुई हो तो कोई बताएं ना, वायलेशन हुई नहीं थी इसलिए वायलेशन का ये बता नहीं सकते, ठीक है। वायलेशन ये है कि वो जो उन्होंने रिश्वत की ईमेल की है ना, कितने पैसे हमें दे दें, ठीक है, वो उन ईमेल एड्रेसेस पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो सारे अप्रूवल पड़े हुए हैं, सारे प्रूफ पड़े हुए हैं इस वजह से, लेकिन प्रूफ इसके अलावा भी मैंने यूट्यूब कर दिए हैं, पब्लिक कर दिए, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लेना ले ले, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने लेना ले ले, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लेना ले ले, एचईसी ने लेना ले ले, ठीक है, नहीं लेना तो ना, ठीक है, चल रहा निज़ाम, मैं तो डिग्री के बगैर भी ठीक हूँ, ठीक है, डिग्रीज तो मैंने प्रूव कर दी हैं कि फेक डिग्री हैं, बेची हुई डिग्रीज हैं, ठीक है, तो अब वो जो जितनी हैं वो तो सारी बिकी हुई हैं, ठीक है, तो वो इसका जवाब देने से कासिर हैं हर, ठीक है। तो ये एक नोटिस उन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग किया कि तुम हमें ना ये लिख के दो कि तुमने आंदा सवाल नहीं उठाना हमारी करप्शन पे, तो फिर मैंने उन्होंने कहा ये नहीं, डिग्रीज तुम अपने पास रखो, जो नुकसान करना कर लो, ठीक है, बाद में करता रहूँगा, ठीक है। और मैंने कहा ये कम से कम एक्सेप्ट करो ये वाला आपने किया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ये ब्लैकमेलिंग नोटिस है, ठीक है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और अब ये डेट भी आप चेक कर सकते हैं, 6 जनवरी को किया, 13 जनवरी को उन्होंने ये क्लोज़ किया, और इस क्लोज़ में उन्होंने कहा कि वो बस डेट है, वो असल नोटिस ईमेल नहीं कर सकते वो ये नोटिस मुझे, ठीक है, ईमेल करेंगे तो क्या होगा, तो सामने आ जाएगा कि इन्होंने किया। अब मैं मामला में अगर कोर्ट में लेके जाऊँगा तो ये कहेंगे ये वाला नोटिस तो हमने सेंड ही नहीं किया, ठीक है, ये झूठ का एक प्लान है अपनी रिश्वत को बचाने के लिए, ठीक है। और वो बेसिकली जो हज़ारों स्टूडेंट जो डिग्रियाँ ले लिए जिन्होंने
ख़रीदी तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं तो अर्न की है, उनको भी डिग्री डी वैल्यू कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब ये शर्म का मुकाम है, चलें से फीडबैक ही दे देते हैं। इन्हें मैंने प्रूफ सेंड कर दिए हैं कि भाई ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जो है ना करप्शन को प्रमोट कर रहा है। प्रूफ तो पब्लिक हो गए हैं अभी, ठीक है। और अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ चाहता करना तो उसने पहले पब्लिक करना है, अपना ऑफिस साफ करना है। हमला रिजॉल्व नहीं हुआ और सेटिस्फाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इससे। ठीक है, ये मेरा हर हुआ की फीडबैक। चलें, थैंक यू।